वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा डीडी फ्रीडीज के ई ऑक्शन के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डीडी फ्रीडीज का MPG2 स्लॉट का ई ऑक्शन हुआ था और बहुत लोगों के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर रिजल्ट क्या हुआ, कौन से चैनल सेलेक्ट होंगे, कब से हमें देखने को मिलेंगे, तो उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, ये ऑक्शन की प्रक्रिया 24 सितंबर को ही हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट डीडी फ्रीडीज के तरफ से या प्रसार भारती के तरफ से ऑफिशियली नहीं दिया गया है। हालांकि ये जरूर बताया गया था कि इंटरटेन नेटवर्क और साथ ही न्यूज कैटेगरी के चैनल्स पार्टिसिपेशन किए हैं। इसके अलावा दोस्तों बताया गया था इंटरटेन के साथ साथ B4U ग्रुप के भी B4U हिट्स और B4U प्लस चैनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट हालांकि अभी तक ऑफिशियली प्रसार भारती ने इसकी पुष्टि नहीं करा है कि आखिर MPG2 स्लॉट्स के लिए कौन कौन से नए चैनल्स डीडी फ्रीडीज के ग्राहकों के लिए ऐड किया जाएगा। तो जो उन लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आया, कब आएगा, तो दोस्तों बता दो, अभी प्रसार भारती की तरफ से भी कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा जाहिर नहीं किया गया है कि जिसमें पता चल सके कि ई ऑक्शन की प्रक्रिया अभी चल रही है या ख़त्म हो गई या कौन सा चैनल सेलेक्ट हुआ है। हालांकि प्रसार भारती ने जरूर कहा था कि जो भी चैनल सेलेक्ट होगा 1 अक्टूबर से देखने को मिलेगा, बट अभी तक चैनल का नाम सामने नहीं आया है। हो सकता है ई ऑक्शन की प्रक्रिया चल रही हो, आज शनिवार है, अगर आज शाम तक अगर अपडेट नहीं आया तो फिर सोमवार और मंगलवार को ही उम्मीद लगाया जा सकता है कि कोई नया चैनल की लिस्ट सामने आ सके। तो बेसिकली अभी कोई भी चैनल का अनाउंसमेंट प्रसार भारती की तरफ से नहीं किया गया है कि कौन से चैनल सेलेक्ट होंगे, बट इतना ज़रूर लगाया जा रहा है कि इंटरटेन नेटवर्क का जो दंगल रंगीला चैनल आने की उम्मीद है, इसके अलावा न्यूज़ कैटेगरी का चैनल आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो ये अपडेट था दोस्तों, होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जाते जाते दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप डिजिटल हेडेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिजिटल हेडेंट का कोर्स बनाया हूँ। उस कोर्स में आपको डिजिटल हेडेंट के ईच एंड एवरी चीज़ आपको देखने और सीखने को मिलने वाला है कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जो कि पेड है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको पूरी विवरण दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।